हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो एच डी यादव मैथ के हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एस एफ एंड एल सी एम, और उसके हमने भाग 8 कंप्लीट कर लिया। और भाग 8 के अंदर हमने जो 72 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, आज है हमारा भाग 9। और हमारा जो भाग 9 आज हमारा अंतिम भाग होगा, और ये जो होगा 73 से लेकर 84 आज का जो भाग है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 की बढ़ने से पहले जो है, जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं 73 क्या है। 73 क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं उसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन में 73 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन बताया है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखो पढ़ो और समझो। देखो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। देखो, रेशियो जो दे रखा है 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 है, और उनका जो मासा है वो दे रखा है HCF, यानी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है भाई। तसल्ली से देखो भाई, से अच्छी तरीके से समझो, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये जो संख्या दे रखी है हमारी, क्या दे रखी है, संख्याएं हैं भाई। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा। तो देखो, सिंपल से अगर बात की जाए बिना पेन उठाए कितना आंसर आएगा इसका, इस 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो, दोनों रेशो दे रखे, दोनों संख्याएं दे रखी, कितना आएगा, 4 या 12 है, और मासा कितना है, 4 12 4 48, यही तुम्हारा आंसर है भाई साहब, यही तुम्हारा आंसर है। अगर यही क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि मासा कितना होगा, मासा कितना, सॉरी मासा दे रखा है वो संख्याएं क्या होंगी, मासा तो दे रखा है वो संख्याएं क्या होंगी, तो मासा जो दे रखा है 4 है, और संख्या क्या दे रखी है, 3:4, तो जो मासा है उनका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 4 4 16, ये 3 ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। संख्या पूछ सकता है अलग अलग दोनों में से, बड़ी छोटी जैसे ही पूछे, और उसके बाद लासा पूछेगा, लासा हमने बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तुम्हारी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, संख्या दे रखी है, जो रेशो दे रखा है, और एचसीएफ दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो 3 4 12 4 48, यही तुम्हारा आंसर। अगर संख्या पूछता अलग अलग संख्या क्या होंगी, तो एचसीएफ का जो गुणा है यहाँ कर देना, 4 3 12 और 4 6 16, और मैंने पहले बताया, देखो संख्याएँ जो होती हैं वो भी जो है एचसीएफ का क्या होती है, गुणज होती है, यानी मल्टीपल होती है, और तुम्हारा जो एलसीएम होता है वो भी जो है एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी थी शॉर्ट ट्रिक। अगर इसे बेसिक तरीके से किया तो किस तरीके से करते, देखना भाई एक बार से बेसिक तरीके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं बेसिक तरीके से ही बनाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, सिर्फ यही इसे ही क्वेश्चन बताऊंगा बेसिक से। ठीक है, तो समझ लेना कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखो, ये संख्या दे रखी है 3:4, तो इसे क्या ले सकते हैं हम, 3x, और लिख सकते हैं इसे 4x। ठीक है भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एचसीएफ इन संख्याओं क्या होगा, 3x और 4x का एचसीएफ कितना होगा, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, कितना होगा देखना। एचसीएफ जो होता है, जो भी हमारी संख्या होती है उन दोनों में जो कॉमन आता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इस 3x और 4x में क्या कॉमन है भाई, सिर्फ x कॉमन है, ये x और ये x, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा तुम्हारा मासा जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहीं से पूछे एलसीएम कितना होगा, लासा कितना होगा, तो लासा क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनका कॉमन लिख लो भाई, 3x और 4x में x कॉमन है, उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो भी बचा वो भी लिख दो, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ कितना बचा 4, यानी एलसीएम जो होगा 4 3 12 x। ठीक है, अब जो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को जो निकला वो कितना निकला, एक्स, और क्वेश्चन के अंदर वैल्यू एचसीएफ की कितनी दे रखी है, 4, तो इस एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4, और एलसीएम पूछा है एक्स की वैल्यू 4 रख दो, 12 और 4 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 48। ये तुम्हारा एलसीएम यहाँ से कॉन्सेप्ट से निकला बेसिक तरीके से, और शॉर्ट टर्म मैंने बताई दी 3 4 12 12 4 48, और संख्या अलग अलग पूछता है 4 का इसमें 4 3 12 4 4 16। अगर इस हिसाब से देखोगे, देखना इस एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई 4 3 12 4 4 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है, बेसिक तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आगे आओगे समझ में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा हो जाएगा भाई, 48, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 48। देखो अगला वाला क्वेश्चन 74 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 5 है, तथा अनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अनुपात कितना दे रखा है भाई, 3:4, और एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 5,
एलसीएम कितना है 5, तो एलसीएम कितना होगा भाई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60, यही आंसर हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, ठीक है। कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का 75, इजी क्वेश्चन भाई, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है 75, उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, ये भी सिंपल है। देखो संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 3:5 और इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है 75। क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ पूछा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम पूछा था, एचसीएफ दे रखा था, सॉरी एचसीएफ दे रखा था, हाँ एलसीएम पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर एचसीएफ निकालना है, संख्या दे रखी है, एलसीएम दे रखा है, तो इन जो संख्या दे रखी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 कितना होगा 15, और इस 15 का भाग किस में दे दी 75 में भाई, कितना निकलेगा 15 × 5 = 75, 5 आंसर, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा वाला डी ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखना है, दोनों कंडीशनों को, कि जब एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दे रखा हो, सीधा सीधा क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जब क्या देख रखा है एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। अच्छा इसे बेसिक तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे भाई, दोनों तरीके देख लो, इसका भी बता देता हूँ, इसका जो संख्या है देखिए 3:5 है, ये संख्या है, तो ये रेशियो में दे रखी है, तो क्या देख सकता हूँ 3x और ये देख रहा हूँ 5x, यहाँ से अगर HCF निकालूँ तो कितना निकलेगा, अभी बताया दोनों में कॉमन क्या है भाई, X है तो X हो जाएगा, LCM कितना है, दोनों में कॉमन कितना है X, और जो भी बचा कितना है 3 और 5, 3 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 15x, और क्वेश्चन के अंदर LCM दे रखा है 75, इस 15x की जगह लिख दो 75, यानी X बराबर निकलेगा 5, तो HCF पूछा है, HCF कितना X, और X बराबर कितना निकले 5, यही भाई था, ठीक है, इसी तरीके उसको याद रखो, ठीक है, कितना आंसर आ जाए 5, यानी इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं, और 76 जो क्वेश्चन है, जो भाग 8 था, उसी का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः है 44 और 264 दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर मासा दे रखा है और दे रखा है लासा, ठीक है, मासा जो दे रखा है और लासा दे रखा है कितना कितना है, मासा दे रखा है 44 और जो लासा दे रखा है वो है 264, ठीक है भाई 264। क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी, तो मुझे पहली संख्या तो पता हो क्या है, मैं कहता हूँ कि पहली संख्या क्या है एक्स है, पहली संख्या क्या है x, और इसने बोला पहली संख्या को अगर 2 से भाग देता हूँ, पहली संख्या क्या मानी मैंने x मानी, और इसमें अगर 2 से भाग देता हूँ तो भागफल जो निकल के आता है वो 44 आता है, इसका कहने का मतलब अगर x में 2 का भाग दूँ तो भागफल कितना आएगा 44, यहाँ से x बराबर निकालने कितना 44 × 2 कितना हो जाएगा 88, तो ये पहली संख्या निकल आई, और मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ठीक है, ये लिखवाया था, तो यहाँ पहली संख्या जो निकली 88, दूसरी संख्या नहीं पता ऐसे लिख दिया, और लासा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 264 और मासा दे रखा है 44, इस 44 से पूरा कट जाएगा 2 बार, इस 2 से कट जाएगा 132, यानी दूसरी संख्या जो निकलेगी कितनी निकलेगी 132, 132 भाई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी सॉरी 77 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे होगा भाई समझ अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, दूसरी संख्या क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्वेश्चन संख्याएं निकालना ही बताया था, एलसीएम निकालना ही बताया था, एचसीएफ निकालना ही बताया था, दोनों चीज़ बताई थी, क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 180, तो देखो भाई जब मुझे एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, या फिर देखो ये जो संख्या दे रखी कितनी कितनी 3x और ये 4x, संख्या दे रखी है 3x और 4x, क्योंकि किसमें अनुपात में है, अगर इन संख्याओं को मैं लासा निकालूं, क्या निकालूं लासा, तो कितना निकलेगा भाई बताना, लासा निकालना मुझे एलसीएम, दोनों में कॉमन क्या है एक्स, और कॉमन लेने के बाद जो भी बचा उसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एलसीएम जो निकलेगा 12x, और क्वेश्चन के अंदर एलसीएम दे रखा है 180, तो इस 12x बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 कम 12 कितने बचे
छः बच्चे और 12 पंजे 60, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी कितनी निकलेगी 50 निकलेगी। इसने पूछा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है भाई 4, इसकी रख दो भाई 4x बराबर 4 × 15 यानी आंसर आ जाएगा इसका 60 दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या थी, 4 थी, 3 × 4 दे रखा था, तो कितना हो गया भाई 60 आंसर इसका हो जाएगा। आगे समझ अच्छी तरीके से भाई, देखो भाई आगे बढ़े, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, यही बढ़िया क्वेश्चन है 78। इसने बोला यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात बाई है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात क्या है एक्स अनुपात बाई है, पूर्ण संख्या दे रखी है, ठीक है, और जेड उनका महत्तम समापवर्तक है, मासा जो दे रखा है क्या दे रखा है जेड दे रखा है। तो एक चीज़ बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मासा जो सॉरी संख्याएं जो होती है, मासा क्या होता है गुणज होता है मल्टीपल होता है, और लासा भी संख्याओं, मासा जो दे रखा है उसका क्या होता है गुणज होता है या फिर बोले मल्टीपल होता है। तो संख्याएं जो दे रखी हैं एक्स और अनुपात बाई, ये संख्याएं दे रखी हैं भाई एक्स अनुपात बाई ये संख्याएं, और इनका जो मासा दे रखा है एच सी एफ, मासा जो दे रखा है रे मासा वो कितना दे रखा है, मासा दे रखा है जेड। तो पूछा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, LCM कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया संख्याएं जो होंगी मासा का मल्टीपल, मासा कितना है जेड, और संख्या का अनुपात क्या दे रखा है एक्स अनुपात बाई, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई जेड एक्स कॉमा जेड वाई, मासा का मल्टीपल जेड है तो जेड एक्स और जेड वाई, और क्वेश्चन के अंदर मासा दे रखा है जेड, पूछा लासा, तो मैंने फॉर्मूला कल बताया था, क्या बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा LCM इंटू मासा कितना दे रखा है जेड, इस जेड से भाई सब ये जेड कट जाएगी, तो LCM जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा जेड एक्स वाई, जेड इंटू एक्स इंटू वाई, इसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं, जेड वाई एक्स लिखो, वाई जेड एक्स लिखो, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखना, दो संख्याओं ए कॉमा बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा 72 है, LCM जो दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक जो दे रखा है वो दे रखा 72 यानी कि 72, और 72 इसने बोला है ए ग्रेटर देन बी, LCM कितना भाई 72, और कंडीशन दिया है इसने 72 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है भाई। उसके बाद इसने बोला तो ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे, ए कॉमा बी के संभावित सबसे बड़े मान क्या होंगे, ये LCM दे रखा है भाई, और संख्या क्या दे रखी ए कॉमा बी, ऑप्शन से करना पड़ेगा वैसे ये नहीं हो पाएगा, ऑप्शन देखना क्या क्या दे रखा है 36, 24, सेकेंड ऑप्शन है 72, 48, थर्ड ऑप्शन है 24, 18, और फोर्थ ऑप्शन है 24, 9। अब भाई साहब एक क्वेश्चन देखना है इसे, इसने बोला संभावित सबसे बड़े मान होने चाहिए ए और बी के, यानी ए की वैल्यू कितनी 36 और बी की वैल्यू कितनी 26। यहाँ से एक चीज़ देखना, क्या 72 36 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, क्या 36 जो 24 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, क्या इन दोनों से कट भी रहा है 36 × 72, 24 × 72, भाई बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़े पूछा है भाई, सबसे बड़े तो ये है नहीं है, सबसे बड़े तो ये हैं 72, लेकिन सबसे बड़े तो हैं, लेकिन यह कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है भाई, ए की वैल्यू का 72 है, क्या 72 से बड़ा हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ ए की जगह 72 लिखें और बी की जगह 48 देखना क्या यह संभव है, 72 ग्रेटर देन ए की जगह ये वाला 72 और बी की जगह 48, क्या भाई ये लिखना संभव है, बिल्कुल ही गलत है, 72 से बड़ा कैसे हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर यहाँ देखते हैं 24 और 18, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो इससे तो बड़ा यही है, तो यही वाला सही हो जाएगा इनमें तो, और यहाँ देखें तो 24 से बड़ा है 9 से बड़ा है, तो ये तीनों ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन हैं कैसे इससे छोटे हैं, तो तुम्हारा आंसर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये 36 और 24, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना चेक करना है क्या इनके मल्टीपल हैं या नहीं 72, ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाएगा कितना 36, 24। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 80 क्वेश्चन कुछ नहीं भाई,
सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, पहली क्लास के क्वेश्चन है, पढ़ा दिए हैं सभी। 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में हैं? 28 और 42 यानी कि 28.42 ये संख्या दे रखी है और इनका लासा और मासा का रेशियो पूछा है, सॉरी हाँ LCM रेशियो HCF, लासा और मासा का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बताओ लासा कैसे निकालते भाई, यही है 28 और 42 का क्या निकालना, लासा निकालना। तो देखना ये 28 है और ये 42 है, क्या 14 से कट जाएगा भाई, कट जाएगा तो काट दो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और देखना कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और ये 3 ही रहेगा, और यहाँ देखें 3 1 और 1 कहाँ पर रुक जाना है, जहाँ बन बन आ जाए वहीं रुक जाना है, ठीक है। यानी एलसीएम जो निकलेगा 14 × 2 × 3, इसे ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हें रेशियो निकालना है, तो इसे ऐसा ही रहने दो 14 × 2 × 3, ये क्या निकल गया है, लासा निकल गया है। मुझे निकालना है मासा, मासा कैसे निकालेंगे भाई, मासा भी यही तरीका है, उसके लिए क्या बताया था 48 − 42, मासा में कंडीशन ये होती है, सॉरी 28 है, HCF की जो कंडीशन होती है, यहाँ जो दो संख्या दे रखी है हमें हमेशा उसी संख्या से काटना है जो दोनों को काट दे, जैसे यहाँ पर 2 और 3 था, हमने 2 से काट दिया, 1 3 नहीं कट रहा तो छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो 28 और 42 से कितने से कटेगा देखना, 7 से कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, 14 से कटे 14 से काट दो, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, ठीक है। अब इसको देखना भाई, क्या 2 और 3 दोनों ही ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट सके, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। यानी HCF जो निकलेगा वो यही निकलेगा, अनुपात कितना 14, और इस 14 से ये 14 कट जाएगा, तो रेशो जो निकले क्या कितना निकलेगा 6:1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है 6:1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, 81 सिंपल क्वेश्चन है, 270 और 405 का लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखना भाई 270 और 405, 270, 405 इसका क्या निकालना है तुम्हें, पहले एलसीएम और HCF दोनों का रेशियो सेम क्वेश्चन है, LCM रेशियो HCF, तो LCM जो निकालेंगे भाई देखना किससे कट जाएगा, 5 से कट रहा है, ठीक है 5 से कर देंगे, 5 × 25, 2 × 5 = 20, 5 × 8 = 40 और 5 × 5, अब कितने कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट 18 और 3 से काट दे कितना हो जाएगा ये 27, ठीक है। अब कितने कट जाएगा, 300 और कट जाएगा, 3 × 18 और 3 × 27, 300 और कट जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 200 और कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 3, 300 और कट जाएगा, काट दो भाई 1 और 1, यानी एलसीएम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, कितनी बार है भाई ये, कितनी बार था, अच्छा 1, 2, 3, 4 बार है, और × 2, और ऐसे फंड निकालना है, HCF कैसे निकालें, देखो 270 × 405, देखना भाई कितने कितने काट दें, 5 से काट दें, 5 से कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 × 20, 5 × 8 = 40, 5 × 5, ये निकालना है HCF, कौन सी संख्या से काटें, 3 से कटेगा, 3 से काट दो, या फिर किसी और 9 से कट जाएगा ना, 9 × 6 = 54 और 9 × 81, ठीक है, और किसी से कट जाएगा भाई देखना, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से, 3 × 2 = 6 और 3 × 9, अब नहीं कटेंगे, दोनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, तो ऐसे जो निकलेगा 5 × 9 × 3, 5 × 9 × 3, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 और 9 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी 6:1, इसका भी आंसर कितना आएगा 6:1, ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में, पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है, उनका लासा दे रखा है 72, मासा निकालना है, कैसे निकालेंगे मासा भाई, मासा निकालना कैसे निकालेंगे, HCF
अभी बताया था थोड़ी देर पहले 72 तो कल थे, कौन सा क्वेश्चन था ये मासा निकाल 75 जो क्वेश्चन था उसी की तरह सेम है। तो एस एफ निकालने क्या करेंगे, लासा जो दे रखा है, लासा दे रखा है 72 और जो संख्या दे रखी है 2:3, 2 और 3 गुणा करेंगे 6 और आंसर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दे रखें 83, ये रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन तुम्हारा 83 क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जो है सेम टू सेम 73 की तरह, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, उनका मासा 4 है, लासा निकालना है 3×4 12, 12×4 48, कितना एलसीएम आ जाएगा 48, 48। क्वेश्चन नंबर देखना 84, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में इनका लघुत्तम समवर्तक 108 है, तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा। इसी की तरह क्वेश्चन ये भी, ये भी सेम क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम कितना दे रखा है 108 और जो संख्या दे रखी उनके दोनों का गुणा करके क्या देना है, भाग देना है 3×4, 3×4 12, 108/12, इस 12 का भाग 108 में देंगे, 12×9=108, कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा 84। तो दोस्तों हमने जो है अपना एस डी आर द मैथ का HCF और LCM चैप्टर हमने आज जो है ख़त्म कर दिया, 9 भाग में इसे डिवाइड करके पढ़ाया, ठीक है दोस्तों। आज हमारा इसका जो एंड हो गया इस चैप्टर का। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और जो है भाई तुम्हारे जो भी दोस्त हैं उन्हें बताओ एस डी आर द मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो है उन्हें बताइए, कोचिंग कहीं भी जाते हैं तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ आएगा, और कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, अगली बार करेंगे नया चैप्टर शुरू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू दोस्तों।